इस शुक्रवार की सोलो रिलीज हॉलीवुड सुपर हीरोज की फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने सिनेमा घरों में कदम रखा। ट्रेड पंडितों की उम्मीद के मुताबिक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड के तमाम फिल्म्स के रिकॉर्ड तोड़ डाले। लेकिन बॉलीवुड की हिस्टोरिकल फिल्म पद्मावत के सामने इस माइथोलॉजिकल हीरोज और विलेंस की एक न चली। साल 2018 में रिलीज हुई लगभग हर एक बॉलीवुड फिल्म को धूल चटाते हुए अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने वीकेंड में 94.30 करोड़ रुपए का कारोबार कर डाला और चौथे दिन फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल होने में कामयाब रही। इस दमदार ओपनिंग के बावजूद अवेंजर्स पद्मावत के वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पिछड़ गई। साल 2018 की 5 सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर पद्मावत 114 करोड़ की कमाई के साथ बरकरार है। इसके बाद बागी 2, रेड और पैडमैन को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने जगह बनाई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म पहला हफ्ता खत्म होते होते 150 करोड़ रुपए का कारोबार पूरा कर लेगी। डिज्नी इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विक्रम दुग्गल ने कहा कि भारत में इस फिल्म को जैसा रिस्पांस मिला है वो दिखाता है कि इसे दर्शक कितना पसंद कर रहे हैं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।